नमस्कार बच्चों, आज अपने एग्रीकल्चर का टॉपिक पढ़ेंगे, प्लांट ब्रीडिंग का, पादप प्रजनन में क्रियाएं। कैसे हम पादपों का ब्रीडिंग करके आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा पोषण किस प्रकार तैयार करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पादप प्रजनन की क्रियाएं। ये जो है एक्टिविटी इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोसेस के अंदर आता है। उन्नत किस्मों के विकास और उनके बीजों का वितरण के हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। यदि हम देखें कि वी आर एक्टिविटी टेकन द ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ वेराइटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन डियर सीड्स, यानी इन चीजों के बारे में अपने क्या करेंगे, बात करेंगे। हमारा पहला जो बात हमने बताया था, विविधता का उत्पादन, क्रिएशन ऑफ वेरिएशन। सबसे पहले क्या है, फसल सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो फंडामेंटल जो बात होती है वो होती है विविधता का उत्पादन। यानी फसल के अंदर जितनी विविधता होगी, वेरिएशन होगा, उसी के कारण क्या होगा, उसमें उत्पादन अधिक होगा। यानी डाइवर्सिटी इज ए बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट। इट इज नॉट पॉसिबल इन इम्प्रूव एनी क्रॉप इफ देयर इज नॉट डाइवर्सिटी। यदि उसमें विविधता नहीं है तो वो फसल आगे लंबे समय तक हमें प्रोडक्शन नहीं दे सकती। इसके लिए उसमें डाइवर्सिटी होना बहुत ही जरूरी है। अब जो टॉपिक है वो है, इसी का भाग है ग्राम्यन, डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन का मतलब है जंगली प्रजाति को खेती के लिए उगाना, डोमेस्टिकेशन कहलाता है। ग्रोविंग वाइल्ड स्पीसीज बाय ह्यूमन बीइंग फॉर फार्मिंग इज नो एज डोमेस्टिकेशन। क्योंकि जंगल के अंदर जो प्रजाति है वह विपरीत परिस्थिति को सहने के उपरांत अपने में विकास करती है, और वही प्रजाति क्या करती है, उसका जो जीन होता है उसमें इतनी एडप्टेशन ग्रहण कर लेता है कि वह हर जो कठिनाई आती है उसको वो क्या करता है, सह सकता है। तो पहला जो इसका जो टॉपिक था वो था डोमेस्टिकेशन ग्रामीण। मैं विविधता के उत्पादन के नेक्स्ट स्टेप की बात करता हूं, पादप पुरस्थापन। पादप पुरस्थापन में किसी प्रजाति किस्म को उस स्थान पर जहां पहले से पाई गई या उगाई नहीं जाती थी, उस स्थान पर जाकर हमने उस फसल को क्या किया, उगाया। यह विधि क्या कहलाती है, यह पादप पुरस्थापन कहलाती है। यदि मैं बात करूं तो यह जो विधि है इसको प्लांट इंट्रोडक्शन कहते हैं। दिस मीन्स द ग्रोविंग प्लांट वेराइटी और स्पीसीज द प्लेस वेयर इज नोट ग्रो द फाउंड बिफोर इज नो एज द प्लांट इंट्रोडक्शन। इट इज एनी सेंट मेथड, पुरातन एक प्रकार का मेथड। एक फसल को लगातार उसी क्षेत्र में बोए, हम एक दूसरे क्षेत्र से उस पादप को लाए, क्या पता वह फसल उस क्षेत्र में एडप्टेशन ग्रहण कर ले और अपने को ज्यादा क्या दे, प्रोडक्शन दे। तो यहां पर जो टॉपिक है, यह विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह प्राचीन है और आज भी यह विधि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। संकरण भिन्न भिन्न गुणों वाली जाति या पादपों में परस्पर में क्या करना, क्रिया कराना या संकरण कराना क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। द म्यूचुअल हाइब्रिडाइजेशन कैन बी डन द अमोंग डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्लांट टू डेवलप इंप्रूव वेराइटी। यानी हमें क्या करना, टू डिफरेंट जो स्पीसीज है, जीनस है, दो स्पीसीज है, दो डिफरेंट जीनस है, उनके बीच में हमने क्या करना, जीन का यानी पोलन ग्रेन का हमने क्या करना, ट्रांसफर करना है एक दूसरे के बीच में, और फिर जो वैरायटी जो आएगी उसमें दोनों का क्या होगा, गुण होगा। दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड वैरायटी। और प्रोसेस क्या कहलाती है, हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। यानी हम इस मेथड का भी प्रयोग करते हैं। उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। किसी भी जीव या पादप के
लक्षण में अचानक या वंशानुगत परिवर्तन, जो उसके पीछे के वंश है, वंशानुगत परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। एनीसेंट हेरिडिटी चेंज इन सिम्टम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज नो एज म्यूटेशन। पॉलीप्लॉइडी, किसी भी स्पीसीज के अंदर काय कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्रों में क्या करना, उस गुणसूत्रों में 2N से भिन्न या अधिक होने की अवस्था को क्या कहते हैं, उसको हम बहुगुणिता या पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। पॉलीप्लॉइडी में एक पूरा सेट क्या करता है, वो नेक्स्ट पीढ़ी में जाता है। द स्टेज वेयर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन सोमेटिक सेल ऑफ एनी स्पीसीज इन डिफरेंट फ्रॉम 2N और मोर इज नो एज पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी के अंदर क्या करता है, या तो एक सेट जो पूरा चला जाता है, या क्रोमोसोम नेक्स्ट जनरेशन में, जैसे गेहूं की मैं बात करूं तो 6N, 7N, 8N जो स्पीसीज चल रही है, पूरा जोड़ा उसका क्या करता है, उसका नेक्स्ट पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहा है, जबकि एन इक्वल देखूं तो 7 है, यानी वो नई स्पीसीज का क्या करता है, यहां पर फॉर्मेशन करता है। अनुवांशिक अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग मेक द चेंज ऑफ जीन स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल प्लांट सेल द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट द सर्वाइव विद द कंट्रोल यूज देयर ऑर्गेनिज्म नो एज द जेनेटिक इंजीनियरिंग। किसी भी जीव के अनुवांशिक गुणों में सुधार करके, उसकी जीन की संरचना में परिवर्तन करके, उससे प्राप्त उत्पाद को मानव के लिए लाभकारी बनाना अनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाता है। साइंस के अंदर एक न्यू ब्रांच है, इसमें जैसे इंसुलिन का उत्पादन है, बीटी कपास है, ये सारे जितने भी प्रोडक्शन है ये सारे इसी के अकॉर्डिंग हुए हैं। यदि हम बात करें तो अनुवांशिक अभियांत्रिकी MSc के अंदर भी एक न्यू ब्रांच है, जिसके अंदर इसी तरह से प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, इसमें विकास होता है। पहला जो टॉपिक था क्रिएशन ऑफ वेरिएशन के बाद में चेन, चेन क्या होता है, सिलेक्शन के अंदर क्या होता है, कहता है द आउट ऑफ डाइवर्सिटी क्रॉप द शॉर्टिंग आउट ऑफ गुड एंड बेस्ट क्वालिटी लाइन कीप देम एट साइड नो एज सिलेक्शन। हमें क्या करना है, उसमें से उस फसल को जो हमें बेटर हमें प्रोडक्शन देती है, हमने से उसमें से क्या करने लड़ा, हमने उसमें से बेस्ट लाइन का क्या करना, छांट कर अलग करना, उसको बोना, क्या कहलाता है, सिलेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, सिलेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट इसमें जो बात आती है वो बात आती है यहां पर, कहता है मूल्यांकन या इवोल्यूशन। वर्तमान किस्मों को विकसित लाइनों के निष्पादन की तुलना की जाती है, यह तुलना कई स्थानों पर 2 या अधिक वर्षों तक उपज परीक्षण के माध्यम से हमें प्राप्त करना, यानी मूल्यांकन करना है हमें कि वो जो हमें चीज प्राप्त कर रही है, हमने पहले फसल बोई मान लो 5 क्विंटल है और हमने दूसरी फसल बोई 10, इसका मतलब मूल्यांकन तो हुआ ना दोनों फसल के बोने के बाद में। द इवोल्यूशन द कंपेरिजन द डेवलप द लाइन्स एंड प्रेजेंट वेराइटीज डन दिस इज कंपेरिजन इज डन मोर देन 2 ईयर एंड मेनी प्लेस थ्रू द यील्ड टेस्ट। यानी उपज के अंदर हमने क्या करना, टेस्ट करना है, YIELD, उपज के बारे में हमने क्या करना, टेस्ट करना। मल्टीप्लीकेशन, जो हमने सिलेक्शन किया है उसका, सिलेक्शन के बीजों का हम क्या करना, उसका हमने गुणन करना, यानी जो फसल सुधार के समाज और देश के लिए उसको क्या हो, लाभ हो। द मल्टीप्लीकेशन इज प्रमोशनल द इंप्रूवमेंट सीड डन द मेनी स्टेजेस द सोसाइटी एंड कंट्री कैन बी बेनिफिट द क्रॉप इंप्रूवमेंट व्हेन डेवलप द वैरायटी रीच द फार्मर एंड ग्रोइंग देयर फील्ड। ज्यादा ग्रोइंग करेंगे देश का विकास होगा, जिस देश में उत्पादन ज्यादा वो तरक्की ज्यादा। तो इसका जो स्टेप, डिस्ट्रीब्यूशन वितरण, वितरण के अंदर क्या है, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों को किसानों तक पहुंचाना, यह एक वितरण की व्यवस्था है। द प्रोसेस ऑफ विच हाई क्वालिटी सीड रीच टू द फार्मर इज नो एज डिस्ट्रीब्यूशन।
आज जो हमने पढ़ा कि किस प्रकार किन एक्टिविटी के द्वारा यानी पादप प्रजनन की क्रिया के द्वारा हम किस प्रकार हम फसल में सुधार कर सकते हैं। इसको स्टेप है, इस स्टेप में पहला जो हमने स्टेप पढ़ा विविधता का उत्पादन, इसके बाद में चयन, इसके बाद में मूल्यांकन, गुणन और वितरण, इसके पांच स्टेप आपको याद रखने। पहला जो स्टेप इसमें जो आता है वो स्टेप यहां आता है क्रिएशन वेरिएशन, सिलेक्शन, इवोल्यूशन, मल्टीप्लीकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है जो रूट बात है, जो रूट बात है यानी जो मूलभूत है, फंडामेंटल जो नीड है, वो हमारी है ग्राम्यन, जनन द्रव्य संग्रह, पादप स्थापन, संकरण, उत्परिवर्तन, बहुगुणिता और अनुवांशिक अभियांत्रिकी। इन स्टेप इनमें से किसी भी स्टेप को हमने उठा लेना है और वो आगे सिलेक्शन करना है। इसको यदि मैं बात करूं डोमेस्टिकेशन, जर्म प्लाज्म कलेक्शन और प्लांट इंट्रोडक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन, पॉलीप्लाइडी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद।